हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ पे मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज के एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिल्वर मिनरल इज टेस्टेड बाय, तो ऑप्शन ए एमाइंस, ऑप्शन बी अल्कोहल्स, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑप्शन डी एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा है कि सिल्वर मिनरल किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, तो हमें यहाँ पे राइट आंसर चूज करके बताना है। तो गाइज, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं टॉलर रिएजन से, यानी एजीएन एस्टर को होल ट्वाइस से ओएच के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सिल्वर मिरर आता है और यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिरर एंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, यानी एल्डिहाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे पूछा इस क्वेश्चन में एल्डिहाइड कीटोन को हम किसके द्वारा डिफरेंस कर सकते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है फेलिंग सोल्यूशन, ऑप्शन बी H2SO4 सोल्यूशन, ऑप्शन सी NaSCO3 और ऑप्शन डी NH3। ऑप्शन सी का यहाँ पे है NaHSO3, यानी सोडियम बाई सल्फेट। तो गाइज, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, फेलिंग सोल्यूशन। जो एल्डिहाइड होते हैं, हम फेलिंग सोल्यूशन के साथ उनका रिएक्शन करवाएं तो रेड पिगमेंट निकलता है, बट कीटोन से ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो गया। फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन, तो ऑप्शन है CH3CH2, ऑप्शन बी CH3COCH3, ऑप्शन सी SCHO एंड ऑप्शन डी CH3CH2CHO। तो गाइज, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, SCHO, यानी फॉर्मल डिहाइड। जो फॉर्मल डिहाइड होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी CH3CHO हो गया, CH3COCH3 हो गया, CH3CH2CH2, इसके पास सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बस ऑप्शन आपका यहाँ पे SCHO जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एमंग द फॉलोइंग लिस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड, तो यहाँ पे पूछा है कि देख ऑप्शन में से कौन सा एल्डिहाइड सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, तो ऑप्शन ए SCHO, ऑप्शन बी C6H5CHO, ऑप्शन सी CH3CHO एंड ऑप्शन डी C2H5CHO। तो ऑप्शन ए का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कि बेंजल डिहाइड। और गाइज, नाम इतना बताने की कोई नीड नहीं, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट, आपको इतना आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नाम नहीं बताऊँगी आपको। तो गाइज, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट है, C6H5CHO, क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्फेटिक एल्डिहाइड, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, C6H5CHO ये लिस्ट रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय, तो ऑप्शन ए बेंडिंग टेस्ट, ऑप्शन बी आयरोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन सी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एंड ऑप्शन डी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। गाइज, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, एरोफॉर्म टेस्ट। एरोफॉर्म टेस्ट के द्वारा उसमें आप डिफरेंस पहचान सकते हैं, जो एस्टेल्डिहाइड होता है, एस्टोन होता है, मेथिल कीटोन होता है, इसमें CH3CO ग्रुप पाया जाता है, जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। बट जो C6H5CH2CHO होता है, ये कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, ना तो कोई स्प्रे देता है, इसलिए इसमें आप डिफरेंस पहचान सकते हैं एरोफॉर्म टेस्ट के द्वारा, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो गाइज, जन लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज के एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक के पार्ट 2 के हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसके मैंने कल 5 क्वेश्चन करवाए थे, ये क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके 5 क्वेश्चन मैं आज फिर से करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन ए आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन बी प्रोपेनोल्डिहाइड, ऑप्शन सी एथिल फेनिल कीटोन एंड ऑप्शन डी बेंजिल अल्कोहल। तो गाइज, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, आइसोफॉर्म को पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आइसोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, उस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आइसोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, बाकी सारे आइसोफॉर्म टेस्ट देते, तो उसे हमें राइट आंसर यहाँ पे बताना है कौन सा आइसोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन ए ब्यूटेन 2-ol, ऑप्शन बी एस्टोफिनोन, ऑप्शन सी प्रोपेन 2-ol एंड ऑप्शन डी प्रोपेन 1-ol। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी राइट है, प्रोपेन 1-ol। जो प्रोपेन 1-ol होता है, ये आइसोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, बाकी सारे ब्यूटेन 2-ol हो गया, एस्टोफिनोन हो गया, प्रोपेन 2-ol हो गया, ये सब आइसोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो ऑप्शन आपका बस यहाँ पे डी राइट है, प्रोपेन 1-ol जो है आइसोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म, तो यहाँ पे पूछा है एस्टोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ऑप्शन ए 3° अल्कोहल, ऑप्शन बी 2° अल्कोहल, ऑप्शन सी ईथर एंड ऑप्शन डी नो रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, 3° अल्कोहल। जो स्टोन होता है रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो यहाँ पे 3° अल्कोहल बनेगा, और स्टोन यानी CH3COCH3,
प्लस सी थ्री एम जी बी आर यानी ग्रीन रिएजेंट, और यहाँ पे कार्बन से तीन मेथिल ग्रुप जुड़ जाएंगे और ओएच ग्रुप जुड़ेगा यानी थ्री डी एल्कोहल बन जाएगा। इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन वोल्ट किचनर रिडक्शन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज कन्वर्टेड इन टू। तो ऑप्शन ए सी एच टू ओ एच, ऑप्शन बी सी एच टू, ऑप्शन सी सी एच थ्री एंड ऑप्शन डी सी एच ओ एच। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है कि जो वोल्ट किचनर रिडक्शन होता है उसमें जो कार्बोनेट ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा सी एस टू। वो जो वोल्ट किचनर रिडक्शन होता है उसमें उसका जो कार्बोनेट ग्रुप का एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो सी एस टू ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया यानी सी एस टू। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, आज भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कंपाउंड दैट गिव्स बोथ आइडोफॉर्म एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी टू बेटेनॉल एंड ऑप्शन डी एथेनॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोफॉर्म और फेलिंग टेस्ट दोनों को देता है, तो हमें दिए गए ऑप्शन में से राइट चूज कर बताना है। तो जो एथेनॉल होता है यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। एथेनॉल जो है ये कंपाउंड जो है हाइड्रोफॉर्म और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दोनों को देता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया है एथेनॉल। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लीजिएगा एनसीईआरटी पर, अच्छे से आप यहाँ पे करिएगा तभी आपको अच्छे समझ आएगा। तो गाइस ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।